बच्चों आइए आज हम प्रश्न संग्रह 2.2 का जो दूसरा उदाहरण है उसे देखते हैं। प्रश्न है, संलग्न आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q, रेखा T तथा रेखा S इनकी तिर्यक रेखाएं हैं। फिर दिए गए मापों के आधार पर कोण X तथा कोण Y के माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस आकृति में देखिए, ये रेखा T समांतर रेखा Q एक दूसरे के समांतर है और यहाँ पे दो तिर्यक रेखाएं दी गई हैं, एक है रेखा T और दूसरी तिर्यक रेखा है रेखा S। तो इसमें ये दो कोणों के माप ज्ञात करने हैं, कोण X और कोण Y। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे ज्ञात करेंगे। पहले आकृति को ध्यान पूर्वक देखिए। आकृति देखने के बाद संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, एक रेखीय युगल कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इतने कोणों की जानकारी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। संगत कोण कहाँ है, एकांतर कोण कहाँ बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण है क्या, रेखी एक रेखा पर बनने वाले कोण है क्या, तब आपको यह प्रश्न संग्रह एकदम आसानी से समझ जाएगा। तो पहले देखिए ये कोण X और यहाँ पर है। अब यहाँ पे इनका दूर दूर तक कुछ संबंध है, तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें अपने मन से एक अक्षर मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे A, क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। अब देखिए ये 40 और ये इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के ऊपर हो गए संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने ए माना तो ए का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए बराबर, यहाँ पे कोण का चिन्ह भी हम दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम ए बराबर 40 भी लिख सकते हैं। तो देखिए कोण ए बराबर 40 डिग्री। कारण क्या हुआ है इसका, कारण भी यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये देखिए एक ही रेखा पर ये दोनों कोण है, एक्स और ए एक ही रेखा पे बनने वाले कोण है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, रेखीय युगल कोण। और इन दोनों को जोड़ के लिए कितना होगा, 180। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कोण x जोड़ कोण a बराबर 180 अंश, और इसके कारण लिखेंगे रेखीय युगल कोण। ये कारण देना जरूरी है, इसलिए याद रखिए कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, रेखीय युगल कोण। अब कोण x तो दिया नहीं है, इसे हमें ज्ञात करना है, तो ये ऐसे ही रहने दो। और इस कोण a की जगह पर कितना मिल गया हमें, 40, तो ये हो गया 40 बराबर 180। ये 40 यहाँ पे क्या है, जोड़ है, हम इसे इस तरफ लिखेंगे, हो गया हमारा उत्तर। तो कोण x बराबर 180 जो पहले से है, ये 40 हम यहाँ से इस तरफ ले रहे हैं, इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो ये प्लस से इधर आके माइनस, इसलिए कोण x बराबर 180 में से अगर 40 घटा दोगे तो आ जाएगा 140। तो कोण x का मान कितना मिल गया हमें, 140 डिग्री। अब कोण y ज्ञात करना है, फिर से क्या करो, फिर से आप कुछ लिंक ढूंढो कि कैसे हम वाई ज्ञात कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोण बताया था कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से यदि प्रतिच्छेदित करते हैं तो बनने वाले ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम, तो इनके कोणों के माप समान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 70 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ऊपर भी कितना होगा, 70 होगा। तो इसे हम कोई कोण लिख लेते हैं,
मान लीजिए मैंने इसे लिखा बी, बी भी कितना होगा 70 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखना है कि कोण बी बराबर 70 अंश, कारण तिरसा विमुख कोण। अब बी और वाई के बारे में सोचिए, ये दो समांतर रेखाएं और वाई और बी उन दोनों के बीच में है। देखिए इस रेखा के इधर, इस रेखा के इधर, तो इन दोनों का योगफल होगा 180। इसके कारण क्या लिखेंगे हम लोग, अंतःकोण। हमने पहले पिछले बार ही देखा है कि अंतःकोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, मतलब उनके कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पे वाई और बी का योगफल कितना हो जाएगा, तो देखिए इसलिए कोण वाई प्लस कोण बी बराबर 180, कारण अंतर कोण। अब यहाँ पे कोण बी कितना आया है, कोण वाई प्लस कोण बी का माप 70 बराबर 180, इसलिए कोण वाई बराबर 180 में से 70 घटा दीजिए, है ना आसान। तो अब देखिए कोण वाई का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। इस प्रकार से ये उदाहरण कितना आसान हुआ कि यदि हमें सब कुछ धर्म, शैली के प्रॉपर्टी, शीर्षाभिमुख कोण, एक रेखीय युगल कोण, संगत अंत कोण, एकांतर कोण, अगर कोण सब पता हो तो इस टाइप के उदाहरण हल करने बहुत ही आसान है। तीसरा उदाहरण, संलग्न आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q है, रेखा L समांतर रेखा M है। यदि दिए गए कोणों के मापों के आधार पर A, B, C, कोण A, कोण B, कोण C के माप ज्ञात कीजिए तथा कारण भी लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों ये L, M ये भी एक दूसरे के समांतर है, PQ ये भी एक दूसरे के समांतर है। तो हम किसी भी ढंग से, किसी भी प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने पहले ए ज्ञात करने के लिए, अब ए और इस ए को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दो रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर है। और अगर यल तिर्यक रेखा ले लेते हैं तो देखिए ये क्या है, अंतर कोण है। हमारे हिंदी के बुक में ये 80 यहाँ पे दिया गया है, जो कि मराठी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के बुक में ये 80 यहाँ पे ना के यहाँ पर है। तो मैंने उदाहरण में क्या किया है, चेंज किया है। तो जब आप उदाहरण देखोगे तो ये 80 हमारे बुक में कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी होगा तो भी हम उसे उसके ढंग से ए बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए रेखा P समांतर रेखा Q, ये दो रेखाएं समांतर है, तिर्यक रेखा कौन से लू, तो रेखा यल, रेखा यल इनकी तिर्यक रेखा है। ये भी जानकारी हमें लिखनी पड़ेगी कि कौन सी दो समांतर रेखा है और कौन सी तिर्यक है। तो ध्यान देंगे तो ये दो समांतर और ये तिर्यक, तो ये बनने वाले कोण अंतर कोण है, ये भी रेखा के अंदर है, ये भी अंदर है, क्योंकि ये हमने समांतर लिया और ये तिर्यक लिया हुआ है। तो क्या आएगा, 80 प्लस कोण ए बराबर कितना, यहाँ पे कोण का चिन्ह दे देता हूं मैं, तो जोड़ के हो जाएगा 180, कारण अंतर कोण। अब ये 80 जोड़े उस तरफ लिखते समय कोण ए बराबर 180 माइनस 80, इसलिए कोण ए का मान हमें मिल गया कितना, 100 डिग्री। अब कोण बी के बारे में सोचो, तो कौन, अब ये और अगर यहाँ पे एक कोई
अंक में मान लीजिए अक्षर मान लेता हूँ, अंक मानने के बदले अक्षर डी मान लिया मैंने, तो ए और डी क्या है, संगत कोण है, एक ही तरफ है या नहीं, देखिए इधर और ये इधर, तो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण डी, उनसे कोण है संगत कोण, और ए का मान कितना है 100 है, तो कोण डी कितना हुआ, इसलिए कोण डी बराबर 100। और बी और डी ध्यान दीजिए कि बी और डी एक ही रेखा पर रहेंगे, मतलब बी और डी इनको जोड़ के कितना होगा 180, कारण रेखीय युग्मन कोण, कोण डी प्लस कोण डी बराबर 180, कारण रेखीय युग्मन कोण। इस पे विशेष ध्यान दीजिए कि एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण, इसे क्या कहते हैं, रेखीय युग्मन कोण, और उन दोनों का योगफल कितना होगा 180। अब कोण डी जो ए था वही कोण डी है, मतलब तो कितना 100, तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं हम लोग, कोण बी प्लस कोण 100 बराबर 180, इसलिए बी बराबर 180 में से ये 100 घटा दीजिए, कोण बी का मान कितना आ गया 80 अंश, कोण मिल गया बी। अब सी और डी ध्यान से देखिए, फिर ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर, और यम इनकी तिर्यक रेखा अगर दी जाए तो ये सी और बी बन जाते हैं संगत कोण। फिर से देखिए, ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर और ये तिर्यक रेखा, तो ये इसके ऊपर, इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, तो सी और बी कौन से कोण हो गए, संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं, समान सम होते हैं, इसलिए यहाँ क्या जाएगा, कोण सी बराबर कोण बी, कारण संगत कोण। उसके पहले यदि आपको लिखना है तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं, कि रेखा P समांतर रेखा Q, और तिर्यक रेखा कौन सी है, यम, रेखा यम इनकी तिर्यक रेखा है, मतलब P और Q एक दूसरे के समांतर और यम इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये दोनों कोण कौन से कोण होंगे, संगत कोण, और संगत कोण के गुणधर्म से कोण सी का मान कोण बी के बराबर, मतलब कितने, सिर्फ 80 डिग्री। तो इस प्रकार हम इस उदाहरण में कोण ए कोण बी और कोण सी के मान ज्ञात। देखिए